अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम फ्री हैंड टूल टू पॉइंट बेजियर और पेन टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्री हैंड टूल के ऊपर काम करते हैं। फ्री हैंड टूल की मदद से आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप फ्रीली आप बना सकते हो, अपने फ्री हैंड आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखें फ्री मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। आप इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो आप यहाँ पे देखें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक स्ट्रेट सी लाइन में ड्रॉ करता हूँ। इसकी अब ये सिलेक्शन इसकी की हुई है, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस लाइन का जो है तो इसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपका तीन स्टाइल है। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग स्टाइल, आप फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में आप चाहते हैं ये वाला एरो का स्टाइल आ जाए, या और भी काफ़ी सारे स्टाइल हैं यहाँ पर देख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये वाला स्टाइल आ जाए स्टार्ट में, एंड में मेरे पास यहाँ पे ये वाला स्टार्ट स्टाइल आ जाए, और सेंटर से आप देखें इसकी लाइन का जो स्टाइल है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो लाइन स्टाइल में नॉर्मल यही रहने देता हूँ। बाकी राइट क्लिक करके आप इसकी लाइन का कलर या और इसका कंप्लीट आप कलर चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा राइट क्लिक से। अब मैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरे पास वही स्टाइल आ रहा है। मेरे पास ये वाला मेन के जो मैंने इसकी थिकनेस बढ़ा दी थी लाइन की, वो मेरे पास उस तरह का स्टाइल नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, उसके लिए आप पिक टूल लें, दोबारा से सिलेक्शन को ख़त्म करें, दोबारा से आपने यहाँ से फ्री हैंड टूल लेना है, और यहाँ से आप इसकी थिकनेस बढ़ा दें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो वो 3.0 mm की उसकी थिकनेस हो। अब मैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाऊँगा तो देखें उसकी थिकनेस बिल्कुल वैसी ही आएगी, देख सकते हैं। तो ये है आपका फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल की मदद से मैं फॉर एग्जांपल अब दोबारा से इसकी थिकनेस नॉर्मली लाता हूँ, फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी थिकनेस नॉर्मल 0.1 लाता हूँ, और मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो देखिएगा मैं कंट्रोल ले करके इसको डिलीट करता हूँ, इस पेज के ऊपर मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। अब थिकनेस की फिर से वही आ रही है, तो कंट्रोल इसलिए करके आप डिलीट करें, दोबारा से आप फ्री हैंड टूल लें और यहाँ से इसको जो है तो 0.1 दे दें। ओके, अब जो भी काम करेंगे देखें उसकी थिकनेस नॉर्मल ही होगी। ओके, तो आप यहाँ पे इस तरह का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि एक मैं सिंपल सा घर बना रहा हूँ। तो फ्री हैंड टूल की मदद से आप इस तरह का ऑप्शन ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फ्री हैंड टूल। नेक्स्ट इसके बाद आपका जो टूल है वो है आपका टू पॉइंट लाइन। टू पॉइंट लाइन में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा, क्लिक करके ड्रॉ करके सेकंड पॉइंट लेके जाऊंगा, देखें मेरे पास टू पॉइंट एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब इसमें आपके पास तीन ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे देखें इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इस पॉइंट इस लाइन को देखें किसी भी साइड पे मूव कर रहा हूँ तो ये मूव हो रही है, देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर टू पॉइंट लाइन क्लिक करता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ही जाएगी। देखें मैं इसको किसी भी पॉइंट में लेके जाता हूँ, ये सिर्फ कॉर्नर से मूव हो रही है, बाकी सेंटर से किसी भी जगह पर मूव नहीं होगी। 90 के एंगल या 45 के एंगल में यहाँ से मूव हो रही है, इस साइड से नहीं हो रही। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, परपेंडिकुलर और आपके पास टेंजेंट, दो ऑप्शन होते हैं। ये ऑप्शन होते हैं बेसिकली सर्कल के लिए। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ से टू पॉइंट लाइन लूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे टू पॉइंट जो है वो तो सिंपल यही है मेरे पास। अब इसमें वही ऑप्शन, इसकी थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं आप, इसका जो एरो स्टाइल स्टार्टिंग का स्टाइल है, लाइन स्टाइल है और एंड स्टाइल है, वो तीनों चेंज कर सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है मेरे पास वो है परपेंडिकुलर टू पॉइंट लाइन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब देखें इस सर्कल के क्या हुआ, परपेंडिकुलर ये चल रही है, देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से लेके जा रहे हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो टेंजेंट, आप टेंजेंट पे क्लिक करें और यहाँ से देखें ये टेंजेंट टू टेंजेंट मूव करेगी। जैसे कि आप देखें ये टेंजेंट, ये इसका टेंजेंट है और नीचे यहाँ पे ये वाला इसका टेंजेंट है। देखें अब मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये वाला इसका टेंजेंट है, देखें इस टेंजेंट से इस साइड पर मूव करेगी। यहाँ से जो है तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेके जाता हूँ, तो यहाँ से इसने ऐसे मूव किया, और इस पॉइंट में लेके जाता हूँ तो ये यहाँ से इस तरह मूव करेगी। तो देखिए ये इस तरह के आप ऑप्शन की मदद से आप बना सकते हैं।
जो कि आपके पास क्या है, टू पॉइंट लाइन। नेक्स्ट आपके पास बेजियर टूल, बेजियर टूल पे क्लिक करता हूँ। बेजियर टूल बेसिकली क्या करता है, ये भी बेसिकली इसी तरह काम करता है, लेकिन आप कर्व की सूरत में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, ये यहाँ पे आ गया, क्लिक करता हूँ और देखें ये कर्व बना रहा है। देख सकते हैं स्पेस प्रेस करें, यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, तो ये बस कर्व बन गया। अब देखें इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर कोई कलर फिल नहीं हो रहा, तो कलर फिल करने के लिए आपने क्या करना है, आप इसको क्लोज पॉइंट पे क्लिक करना है आपने। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बेजियर टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से दोबारा पे क्लिक करके और यहाँ तक लेके आके क्लिक करूंगा, तो आप देखें इस पर कलर फिल हो चुके हैं। तो यहाँ पास बेजियर टूल का फंक्शन है। बेजियर टूल की मदद से आप फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करके, सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करके लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखें आप क्लिक करते जाएँ और आपका ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। अब इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट में जाता हूँ, इस पॉइंट से मैं आर्क लेना चाह रहा हूँ, तो देखिए आर्क आ गया और यहाँ पे दोबारा क्लिक करके ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। तो ये आप इस तरह के ऑप्शन, इस तरह के ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं इस बेजियर टूल की मदद से। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पेन टूल। पेन टूल का यही फंक्शन है, फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करें, सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करें, तो देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। इसमें दो ऑप्शन आपके पास आते हैं, प्रीव्यू मोड है, अभी देखें आपके पास ये प्रीव्यू मोड है, देखें ये आपको जो है तो ब्लू कलर की लाइन जो ये प्रीव्यू करके आपको दे रही है। सेकंड वन जो है आपके पास प्रीव्यू के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक ऐड और डिलीट नोट्स, इस पर क्लिक करें। ये जो आपके पास नोट्स है इसको देखें डिलीट कर दिया मैंने, क्लिक करें यहाँ पे, ये बन गया आपके पास नोट, बन गया। अब मेरे पास यहाँ पे मैं इसके बीच में एक नोट बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टूल लिया, ऐड करना चाह रहा हूँ नोट, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक नोट ऐड हो गया, क्लिक करता हूँ यहाँ पे नोट ऐड हो गया, क्लिक करके डिलीट कर दिया, क्लिक करके डिलीट कर दिया, क्लिक करके डिलीट कर दिया और डिलीट कर दिया, और यहाँ से डिलीट करता हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से आप डिलीट और ऐड कर सकते हैं कोई भी नोट, और यहां से आप प्रीव्यू कर सकते हैं किसी भी नोट को। अब आपस जो पेन टूल है इसी में से आप एक और काम कर सकते हैं कि आप कर्व भी बना सकते हैं। एक तो आप जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बनता जाएगा लाइन की मदद से। अगर आप कहीं पे कोई कर्व बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी पेन टूल यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक किया और इस पॉइंट पर क्लिक करके अपने पॉइंट की क्लिक को प्रेस करके आप देखें इस तरह कर्व भी बना सकते हैं। फिर यहां से तो देखें आप इस तरह के ऑप्शन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं सिंपल से। तो ये था आपका पेन टूल का ऑप्शन। अब हम एक सिंपल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, एक पेंसिल में ड्रॉ करता हूं। तो पेंसिल के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, पेंसिल की शेप बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और इस तरह के एक मैंने पेंसिल का एक ये मैंने ड्रॉ किया, और मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, पिक टूल लेता हूँ, तो यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे रख के राइट क्लिक कर देता हूँ, डुप्लीकेट हो जाएगा। इस तरह यहाँ से फिर से उठाता हूँ और यहाँ पे ला के राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट हो गया। अब इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कलर फिल किया, ये कलर फिल किया और ये तीन कलर फिल कर लिए। अब मैंने यहाँ पे लो नहीं, आप कोई भी टूल यहाँ पे देखें, कोई भी आप ले सकते हैं। आप बेजियर टूल की वजह से भी काम कर सकते हैं, टू पॉइंट लाइन की वजह से भी कर सकते हैं और पेन की वजह से भी कर सकते हैं, लेकिन पेन इजी रहेगा। तो पेन टूल में लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, सेकेंड पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, थर्ड पॉइंट पे और फोर्थ पे फेस फेस करें और इसके अंदर कलर फिल कर लें। जैसा कलर में यहाँ से ये वाला कलर दे देता हूँ, जूम करते हैं थोड़ा सा, फिर से पेन टूल लेता हूँ मैं, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, और इसको मैं कलर यहाँ से ये वाला देता हूँ। फिर यहाँ पे जाता हूँ, यहां से दोबारा से मैं एक स्क्वायर शेप लूंगा, रेक्टेंगल शेप लूंगा और यहां से मैं इसको यहां तक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, कलर व्हाइट दे दिया इसको मैंने,
फिर यहां से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं यहां तक, और इसको राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू कर्व करूंगा, शेप टू लूंगा यहां से। शेप टू लेने के बाद मैं यहां पे राइट क्लिक करता हूं और इसको करता हूं कन्वर्ट टू कर्व, यहां पे जाके टू कर्व ड्रैग करके नीचे ले आता हूं, योर कलर देता हूं। तो देखिए एक पेंसिल की शेप वापस तैयार हो गई है। इसको सेलेक्ट करके आप यहां से इसे मूव करके थोड़ा नीचे लें, इसको सेलेक्ट करके इसको भी आप यहां से को नीचे लें क्योंकि ये बहुत बड़ा बन गया। यहां पे रखिए और इसको यहां से देखें साइज बढ़ा दें इसका। ओके तो आप बस यहां पे क्या हो गया, एक पेंसिल बन गई। आप इसको डबल क्लिक, आप इसको यहां से सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करके ग्रुप करें और इसको आप रोटेट करने जाने क्लिक करें एक बार और इसको यहां से आप रोटेट कर सकते हैं। देखिए एक आपका जबरदस्ती पेंसिल बन गई है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज करना सीखे, जिसमें हमने फ्री हैंड टूल, टू पॉइंट, बेजियर पेन टूल और इसके साथ हमने एक ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।